नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस संदेश और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंधवा शहर में, जहाँ पर कानबई माता का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि महाराष्ट्रियन समाज के लोग श्रावण महीने में माता जी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके पीछे पौराणिक मान्यता क्या है, किस तरह से पर्व मनाया जाता है, इसके लिए मेरे साथ में जितेंद्र सोनी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह ये माता जी का पर्व मनाया जाता है। जितेंद्र जी, किस तरह ये पर्व मनाया जाता है, क्या इसकी मान्यता है? सभी महाराष्ट्रियन लोग जो है विशेष तौर पर ये त्यौहार मनाते हैं और कई लोगों की कल स्वामिनी भी होती है। और महाराष्ट्रियन लोग जो है कल से जो है ये पर्व की जो है तैयारी करते हैं और रोड स्वरूप जो खाजन्य होता है, जिसको रोड बोला जाता है, और सारा परिवार जो है एकत्रित होकर ये रोड को जो है उसकी पूजा होती है। आज के दिन माता जी की स्थापना होती है, जगराता होता है, तत्पश्चात जब तक रोड समाप्त नहीं होते सारा कुनबा एकत्रित होकर इसको खाता है, तत्पश्चात जो है इसका कार्य पूर्ण होता है और कल जो है माता जी की का विसर्जन होता है। मान्यता ऐसी भी है कि बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पे पूरी होती है। जी बिल्कुल, ये जो है पूर्ण रूप से जो है सत्य है कि बहुत से लोग जो है अपनी मन्नत मानते हैं और उनकी इच्छा पूर्ण होती है, तो बहुत से लोग जो है मन्नत के रूप में माता जी को अपने घर पर ले जाने के लिए भी मतलब जो है बहुत से लोग मन्नत मानते हैं और अपने घर पर जो है 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष इस तरीके से जो है बैठा कर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। महाराष्ट्र समाज में इसका क्या महत्व है? महाराष्ट्र समाज में सर विशेष तौर पर ये महत्व है कि हर परिवार में जो है रोड की पूजा होती है, हर परिवार हर कुनबा जो है इसको मनाता है, ये इसकी विशेषता है। कब विसर्जन होगा इसका? कल सुबह विसर्जन होगा। ये तो मेरे साथ में जितेंद्र सोनी, जिन्होंने बताया कि इसको हर परिवार हर कुनबा रोड घर पर बनाता है और माता जी को भोग लगाकर इसकी पूजा करता है। साथ ही मान्यता जो लेते हैं अपनी मन्नत पूर्ण होने के लिए भी यहाँ पर कई तरह की मान्यता ली जाती है और उसको पूर्ण होने के बाद माता जी को अपने घर पर विराजित किया जाता है। आज रात्रि भर माता जी अपने यहाँ रहेंगी, इनके घर रहेंगी, साथ ही यहाँ पर जागरण होगा। जागरण के साथ ही महिलाएँ और अन्य परिवार के लोग जहाँ पर सिर्फ रोट बनाते हैं वो रोट लेकर यहाँ आते हैं और माता जी की पूजा करते हैं।